सकते हैं अगर आप फिटनेस फ्रीक है, लेकिन अच्छा नहीं बना तो फिर मुझे मत कहना। और आलू की वेलकम टू रेसिपीज़ किचन विद सादिया। इस व्लॉग में आज आप सब इब्राहिम स्टाइल समोसे बनाने की रेसिपी देखेंगे। अगर आपको ऐसी ही नई नई रेसिपीज देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है इन सबको आप मिक्सर में पीस के रख रहे हैं, आपको फिलिंग में डालने के काम आएंगे। सो दोस्तों अब हम समोसे का कवर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मैदा लिया, उसमें मैंने नमक डाला है और ऐसे करके एकदम ऐसी क्रश करके अजवाइन भी डाल दें। हाँ, यहाँ पे आपका भी ऐसा हाल हो रहा होगा ना समोसा खाने का, आपका भी मन हो रहा होगा। यहाँ एकदम परफेक्ट लाइट आ रही है। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे जैसे कि आपको पता है कि ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है, वो आज समोसा बनाने की हिम्मत करने जा रही है। तो आई होप मैं इनका सामान बर्बाद ना करूं। अभी मैं समोसा बनाने जा रही हूँ, आप ये बताओ कि आप क्या कहना चाहती हो। इसमें लाल डालो क्या? अरे वो ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। ये बताओ कि समोसा बनाने आपको क्या लगता है, मैं बना पाऊंगी या नहीं? पहली बार बनाते लोगी, और अगर बिगड़ेगा तो डांटोगे तो? नहीं, कैमरे के सामने बोल दिया नहीं डांटेंगी, चलो बना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी बीच में अम्मी आ गई थी कि बहुत मन कर रहा है समोसा खाने का, बंदा कहाँ तक कंट्रोल करे। आपको भी कर रहा होगा ना, अगर कर रहा है तो मेरी रेसिपी देखने के बाद आप भी बना लेना। नमक और अजवाइन के बाद मैंने मैदे में घी भी डाला और उसको ऐसे चेक करके देखना है, जब तक वो एकदम जमेगा नहीं समझो कुछ भी कमी रह गई है। तो फिर मैंने उसमें और भी घी डाला, एक चम्मच या डेढ़ चम्मच और घी डाला है, और फिर आप उसे चेक करें। हाँ, जब ये ऐसा बनने लगे ना समझो अब एकदम तैयार है मैदा उसको गूंदने के लिए। और यहाँ मैंने उबले हुए आलू को छील के रख लिया है, और ये मसाले का डब्बा अपने पास रखें, हींग अपने पास रखें, और गरम मसाला भी अपने पास रखें, और ये जो हमने पहले बनाया था जो मैंने आपको बताया था वो अब पैन में या कढ़ाई में आपको थोड़ा सा तेल डालना है, तेल को गर्म हो जाने दें, उसमें थोड़ा सा हींग डालें, और जो मैंने वो जो मसाला बना के रखा था, नहीं थोड़ा ज़ीरा भी डालना है, ज़ीरा के बाद वो जो मिर्ची वाला जो मसाला है उसको डालना है एक दो चम्मच। और अब ये उबले हुए आलू को इसमें डाल देना है। आप पहले थोड़ा इसको और क्रश कर लेना, इससे आपकी बाद में मेहनत कम हो जाएगी। और मैंने थोड़े से आलू बचा लिए क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा हो गए। और अब इसमें एक चम्मच मिर्ची डालना है, एक चम्मच हल्दी डालना है, और एक चम्मच धनिया पाउडर भी डालना है। हल्दी आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, और इसमें गर्म मसाला डालना है, और आमचूर पाउडर भी डालना है। और अब ये मिक्स होके कुछ इस तरह दिख रहा है, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आप देख रहे हैं अभी हमारा ये अंदर का उसका फिलिंग आलू मसाला जो भी कहते हैं वो बन रहा है, और मैंने आटा उसको गूंद के रख दिया है 15 मिनट्स के लिए, उसको ऐसे छोड़ना है, फिर उसको फिर से गूंदना है, उसके बाद उसकी रोटी बनानी है, पूरी बनानी है, उसके अंदर हम मसाला भरेंगे, उसको पैक कर देंगे और उसको तल लेंगे, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। अभी ध्यान आया कि मैं मिर्ची डालना भूल गई थी, अम्मी आई और अम्मी ने पूछा हरी मिर्ची नहीं डाली? माँ के बिना कोई काम ठीक से हो ही नहीं सकता है। चलो हम मिर्ची डाल देते हैं। एक चीज़ और याद आई, मैं वो जिंजर का पेस्ट डालना भी भूल गई, और अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब अगर डालूंगी तो वो कच्चा टेस्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ये मसाला तो रेडी होने वाला है, और अगर नहीं डालूंगी तो क्या टेस्ट में इतना फर्क पड़ेगा, बताओ। अब हम इसमें फ्रेशली चॉप धनिया पत्ती डालेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आलू की सब्जी एकदम तैयार है, आप रोटी निकालें और इसे खा सकते हैं। दोस्तों हमारा इसका अंदर का फिलिंग एकदम रेडी हो गया, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि शॉप जैसा ही है। मैंने रिजा को भी ट्राई कराया, वो भी बोल रही है कि हाँ ऐसी खुशबू आती है, तो हम इसे साइड में रख देंगे, और हम इसका कवा बनाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं रोटी के बाद। उफ, ये बड़ी मुश्किल से हो रहा था, तो इलास्टिक की तरह खींचता ही जा रहा था, हो ही नहीं रहा था। बड़ा मुश्किल काम ही है, हो ही नहीं रहा है। जैसे कि ये मैं बना रही हूँ, ये मैंने बहुत छोटी बना ली है, तो इसमें समोसा बन ही नहीं रहा था, तो आप थोड़ा बड़ा लेना, जितना थोड़ा मीडियम वाली रोटी बन जाए ना वैसा। ये थोड़ा मुश्किल ये करने में बड़ी मेहनत लग रही थी, क्योंकि मैदा एकदम कड़क गूंदा था, आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब अच्छा अच्छा समोसा खाना एकदम बाहर के जैसा, तो थोड़ी तो मेहनत पड़ेगी ना। जितना
हाँ तो अब सब कुछ हो गया ना, अब हमें समोसा बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो जैसे हम बर्थडे की टोपी नहीं पहनते वैसे ही बस बिल्कुल बनाना है, लेफ्ट वाले पार्ट को अंदर रख के राइट उसके ऊपर रख के पानी से एकदम उसको चिपका देना है और उसके अंदर इस तरीके से आलू डाल देना। आप हाथ से भी डाल दो, ऐसे भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, अपना ही समोसा है, बस हाथ को साफ रखो और उसे एकदम चिपका दो। ये मैंने शुरू शुरू में ना बहुत छोटे बना लिए थे इसलिए वो बिल्कुल पैक नहीं हो पा रहे हैं सही से। हाँ बिल्कुल ऐसे एकदम दबा देना है कि वो बिल्कुल खुलने का नाम नहीं ले, क्योंकि खुल गया तो पूरा ख़राब हो जाएगा। जहाँ जहाँ से दिख रहा है उसे दबा डालो। हाँ अब ये देखो एकदम सही मैंने बनाया है। हाँ और थोड़ा सा पानी लगा दो ताकि मतलब एकदम फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपक जाए और उसे एकदम दबा दो हर जगह से। तो ये अब कुछ इस तरह दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा समोसा बन के रेडी हो गया है जैसे तेल एकदम गर्म हो जाएगा तो हम इसमें समोसे डाल के फ्राई कर लेंगे, निकाल लेंगे और खा लेंगे। लेकिन हालत खराब हो गई, सीरियसली मैं एक साल तक समोसा बनाने नहीं वाली हूँ, चाहे कोई भी कह दे मैं समोसा नहीं बनाऊंगी। बस यहाँ मैं ऑयल चेक कर रही हूँ, ऐसे मैंने वड़ा पाव वाले भैया को देखा था और यहाँ मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के समोसे को तेल में डाल दिया। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में था। जब तक समोसे रेडी हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपसे बातें कर लूँ। तो बताओ आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो, आप लोग क्या नया बना रहे हो? अच्छा अम्मी भी आ गई, अम्मी से भी बातें कर लो। तो बताओ अम्मी आपको कैसा लग रहा है देख के आपकी बेटी जो कभी खाना भी नहीं अच्छे से बनाती थी आज वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें ट्राई कर रही है, समोसे बना रही है, आपको खुशी हो रही है? नहीं जब तक समोसे फ्राई हो रहा है तो मैंने सोचा मैं आप सबसे गपशप कर लूँ। तो आप लोग बताओ आप लोग क्या नया कर रहे हो और आपने कौन सी नई चीज़ ट्राई करी है, और अगर आप कुछ नया रेसिपी ट्राई करते हो तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हो रहा है, और अगर होता है तो कौन सपोर्ट करता है और कौन डांटता है घर में? मेरे साथ ऐसा है कि अम्मी मुझे कभी कभार पहले डांट दिया करती थी, तब से अब मैं मुझे थोड़ी थोड़ी कुकिंग आ गई है। पहले बहुत गुस्सा करती थी किचन में, तुमने सारा गंदा कर दिया, कि मैं किचन में जाती थी और सब कुछ ऐसा फैला देती थी और आखिर में वो चीज़ भी बिगाड़ देती थी। तो थोड़ा सा तो अम्मी गुस्सा आएगा ना, उनके बर्तन भी उनको करने पड़ते थे। और अभी ऐसा हो गया है कि हाँ अम्मी कुछ भी कमी होती है तो वो बता ज़रूर देती हैं, और भाई भाभी बहुत स्वीट हैं तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ कमी भी होगी तो बहुत भाई तो नहीं बोलेंगे, जो आप पूरा खाने के बाद भाई भाभी क्या करते हैं बहुत लास्ट में, अच्छा थोड़ा सा ऐसा था ना, हाँ ऐसा हो सकता था, हाँ थोड़ा नमक अगर और होता तो और अच्छा हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। तो वो लोग कभी भी कोई चीज़ की बुराई नहीं करते, और जो भी मुझे मोटिवेशन मिला आज, मैं जो भी चीज़ करती हूँ या मुझे खुद में भी जो मुझ में आप चेंज देखते हैं, वो सब का क्रेडिट जाता है भाई भाभी को। कितनी बातें करती हो ना, अभी समोसे बस जलने ही वाले थे लेकिन जले नहीं है, उसके कलर पे मैं जाऊँ वो थोड़ा सा ऐसा डार्क आया है लेकिन एकदम क्रिस्पी एकदम अच्छे से फ्राई हो गया। हमने वो बनाया था उसका ऊपर का कवर के लिए मैदा जो बोलता था उसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये पता नहीं क्या बनाया है रिजर्ने, ये सब बन गया है। और उसके बाद ये अंदर का उसमें आलू बच गया है, इसे हम कल रोटी के साथ सब्जी समझ के खा लेंगे क्योंकि खाना कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। 10-10 आया तो मेरे हिसाब से मेरे इस बार समोसे सही बने, मुझसे कुछ गलती नहीं हुई।